हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, आज सुबह भी हम लोग 9 बजे उठ चुके हैं और सुबह से भागम दौड़ी कर रहे हैं, क्योंकि गाइस कल हम लोगों का पेंटर भाग गया। बोलता है कि मैं सिर्फ इतने बजे काम करूंगा, आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया था। और उसमें भी बोल रहा था, पहले दो दिन का 2000 लूंगा, अब बोलता है कि 3-4 दिन लगेंगे तो हर दिन का 1000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। तो गाइस, ये तो एकदम चीटिंग वाली बात हो गई। पहले जिस बात में डील हुई उस बात पे अटल नहीं है, तो हम लोगों ने उसको बोल दिया कि भाई तू जा, हम दूसरा पेंटर बुला लेंगे। गाइस सुबह से उठ के हम लोग हर जगह फोन मारे, सुबह से लेके 5 से 6 पेंटर आ चुके हैं। और गाइस सिर्फ और सिर्फ 2 वॉल कलर मारना है और 1 सीलिंग कलर मारना है, पुट्टी वगैरह लांबी वगैरह सब कुछ हो चुकी है। फिर भी गाइस ये लोग सिर्फ 2 वॉल का 5,000 रुपए मांग रहे। बोले 5,000 लगेगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा। तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग किस हिसाब से पैसा मांग रहे हो? बोले 1 दिन का 1,000 रुपए। एक दिन का 1,000 भी लो तो 5 दिन तो काम करने वाला है नहीं, 2 से 3 दिन काम करेगा तो भी 2 से 3,000 रुपए होता है। फिर भी तुम बोल रहे हो, मतलब ऐसी बातों को ना कि मजबूरी का फायदा उठाना, लूटने वाला हिसाब किताब हो गया। मालूम है उनके पास काम है तो उनको दूसरा काम नहीं करना है, ऐसा कि भाई हम एक काम में कमा दूसरे करना, गरज के हिसाब से आएंगे ही आएंगे। देखो गाइस, एक ये वॉल करना है पेंट, ये सीलिंग पेंट करना है और ये वॉल करना है। वाईफाई भी मेरा खराब हो गया था गाइस, वाईफाई भी बनाने वाला आगे घर पे खड़ा हुआ है, कब से वाईफाई भी काम चालू। और गाइस वाईफाई ऐसी चीज है ना गाइस, मतलब उसके बिना ऐसा लगता है कि हमारी कोई जिंदगी ही नहीं, क्योंकि पूरा आज हो गया है सोशल मीडिया का जमाना। सोशल मीडिया का जमाना यूज करने के लिए हमें चाहिए नेट, नेट मिलता है हमें वाईफाई, तो वाईफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस मैं सोचा कि बहुत ज्यादा मेरी हालत एकदम क्या बोलते हैं उसको, झिड़मिड़ी हो गई, मेरे बाल बड़े हो गए, कहीं से भी छोटे हो गए। तो मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मेकओवर किया जाएगा इस यार। इंसान को लगना चाहिए प्रेजेंटेबल, इंसान कोई व्लॉगर है, कोई अच्छे घर में रह रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो इंसान को एटलीस्ट प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। तो अभी चलते हैं जरा बाल कटा के, मिलते हैं आपको हमारे नए लुक में। क्या बोलते हैं गाइस, अब इंसान लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ मैं? गाइस कसम से मैं बता रहा हूँ, मुझे भी इतनी खुशी हो रही खुद को ऐसा देख के, मतलब इतना फ्रेश लुक आ रहा है मेरे चेहरे पे। इतना सोना क्यों रबिन अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है गाइस, एवरेज लुकिंग है, बट चेहरा मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, बस वही काफी है। चलो चलते हैं अभी पेंटर की तलाश करते हैं। और गाइस मेरे दिमाग में आज एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आया है निदा पे प्रैंक करने का। बहुत दिन हो गया था आप लोगों ने बोले थे निदा पे कोई प्रैंक करो, तो आज बहुत मस्त खुराफाती आइडिया है। मैं बस पेंटर ढूंढ के आप लोगों को बताता हूं आइडिया क्या है। पेंटर तो अभी भी नहीं मिला मुझे, मैं गया था दुकान में 2-3 जगह पे, मैंने बात की और उन्होंने बोले कि ठीक है, नंबर दिए मुझे, मैंने बुलाया घर पे, अब वो घर पे आएंगे तब देखते क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस मैं प्रैंक के बारे में आपको बताने वाला था। मैं सोच रहा हूं कि प्रैंक में ऐसा करूं कि निदा के फोन में मेरे फोन में आईडी यूट्यूब की खुली हुई है, और निदा की जो अलग से आईडी है पर्सनल, उसको मैंने मैनेजर एक्सेस दिया हो। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि निदा को मैं बोलता हूं कि निदा आज के बाद से तुम्हारा यूट्यूब चलाओ, मैं मेरा यूट्यूब चलाऊंगा, तुम्हारी पर्सनल आईडी है, मेरी पर्सनल आईडी है, और यूट्यूब से मैं निदा का मैनेजर एक्सेस निकाल दूंगा और निदा को पासवर्ड भी चेंज कर दूंगा, ताकि निदा के फोन से भी लॉग आउट हो जाए। तो देखते निदा का रिएक्शन क्या होता है जब मैं उसको बोलूंगा कि भाई यूट्यूब तू अपना अलग कर, मैं अलग करूंगा, तू वैसे भी मेरा सपोर्ट करती नहीं यूट्यूब पे। गाइस बहुत मजा आने वाली है, उसका रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता है अभी भी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस मैंने आईडी पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, तो गाइस मैं YouTube का आईडी पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, निदा का मैनेजर एक्सेस भी निकाल दिया हूँ। अभी तक उसको नोटिफिकेशन चली गई रहेगी कि यू हैव बीन रिमूव फ्रॉम द दिस अकाउंट। गाइस अब वेट करते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके देखने के बाद ही मैं कैमरा चालू करूंगा, वरना पहले से अगर मैं कैमरा चालू करूंगा उसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया। सो गाइस लगता है निदा ने नोटिफिकेशन देख लिए, अब मेरे को मेरी एक्टिंग करना चालू करना पड़ेगा। सो गाइस मेरी एक्टिंग चालू हो चुकी है। हाँ तो मैं बोल रहा था गाइस कि हम लोग चलते हैं अभी बाहर, जाते हैं जरा देखते हैं कि रेनोवेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है। और गाइस अकेला व्लॉगिंग कर करके ना मैं एकदम थक चुका हूँ गाइस, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब एक थोड़ा बहुत भी रहता ना तो जरा अच्छा भी लगता है। तो कोई बात नहीं गाइस, होते रहता है, थोड़ा बहुत होता है। तो गाइस रेनोवेशन कुछ नहीं, वो मैं पासवर्ड चेंज किया था मेरा इसके लिए। ऐसे ही मैं बोला की अभी तुम क्या करोगे, तुम्हारा कुछ काम है नहीं, तुम आईडी रख के करोगे क्या? तुम्हारा मैनेजर एक्सेस भी निकाल दिया मैं इसीलिए। क्या लॉग इन करके दो तुम मेरे को अभी के अभी, चलो तुम्हारे को क्या जरूरत है लॉग इन करने की? डिसीजन पे आया हूँ मैं, सोच रहा हूँ गाइस आप लोग ये मुझे बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि अब से नीता और मैं अलग अलग काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ में काम नहीं करेंगे। चैनल का नाम भी मैं सोच रहा हूँ कि चेंज कर दूं, खान सुफियान व्लॉग्स रखूं, और नीता का चैनल गाइस ऑलरेडी है, तो मैं सोचा नीता तू अपने चैनल पर ब्लॉगिंग करो, मैं अपने चैनल पर ब्लॉगिंग करता हूँ। क्योंकि सीन क्या हो रहा है गाइस के पूरा टाइम ब्लॉगिंग मैं ही कर रहा हूँ। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी नहीं, मैं जनरल नहीं बोल रहा हूँ, सुनो ना, पूरा टाइम गाइस क्या हो रहा है ना कि ब्लॉगिंग खाली मैं ही कर रहा हूँ। बकवास करो यार।
अरे बकवास क्या कर रहा है, मेरे को व्लॉग तो बना दो एटलीस्ट। तू क्या बोल रही, तू मेरे से देखिए अब मैं व्लॉग बना रहा हूं, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं क्या करूं, जो अलग नहीं करूं तो क्या करूं, पूछने का क्या इसमें अभी। तो गाइस मैं ऐसा बोल रहा था कि अकेले खोले थे तुमने YouTube चैनल, आईडिया भी मेरा था ना उसमें। हां अबे पागल हो गए, पहले तुम्हारे को लोगों को बोलने से पहले तुमको मेरे से डिस्कस करना चाहिए सारी चीजें, तुम मेरे को बोले ही नहीं है। तो मैंने अपलोड थोड़ी क्या वीडियो अभी तक, मैं एटलीस्ट व्लॉग तो बनाऊ ना, मेरे को क्या बनाना है। गाइस आप लोगों ने भी देखे रहो, अरे लेकिन मेरे को बोलने तो बोलने भी नहीं दे रही मेरे को ये। मैं बोल रहा हूँ कि पूरा टाइम आप लोगों दिख रहे हो कि ब्लॉगिंग मैं ही अकेला कर रहा हूँ, इसका कुछ योगदान पार्टिसिपेशन कुछ भी पार्टिसिपेशन रहता नहीं है इसका। तो मैं बोला कि क्यों ना अलग अलग ही करते ना, इससे बेटर है कि फिर मैं अपना करूंगा वो अपना करेगी, यूट्यूब चैनल अलग कर देते। रिकॉर्ड कर भी रहे हो कि नहीं, रिकॉर्ड कर भी रहे, मस्ती कर रहा। अरे मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, तुम बीच में आ गए जबरदस्ती, सीधा बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को, मेरे को बना दो। तो गाइस यही यही बात करो, ऐसे मैं बात करो, क्या बात करूं मैं, पहले तुम व्लॉग छोड़ो मेरे से। अच्छा ठीक है रख देता हूं व्लॉग, चलो रख दिया फोन, बोलो क्या क्या बातें बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, इतना तो करती हूँ यार, मैं घर संभालती हूँ, बिजनेस का पूरा मैं ही देख रही हूँ, अभी घर का रेनोवेशन भी तो देख ही रही हूँ ना मैं थोड़ा बहुत, तबीयत साथ नहीं देती तो मेरी क्या गलती है इसमें। अरे मैं वो हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मेरा मानना है कि तो मतलब मैं कैसे ना ब्लॉगिंग करूंगी, तुम अपना अकेले कर लो, मैं अपना अकेले कर लूँ। अरे बट मैं कैसा करूंगी अकेले, भी तुम पागल हो गए हो क्या। तो फिर एक काम करता हूँ, तुम मत करो, मैं अकेले का नाम रख देता हूँ खलील खान सुफियान 90 व्लॉग, क्या हो गया इसमें, ज्यादा बोल रही हूँ, ज्यादा क्यों बोलूंगा मैं, मत करो दिमाग मत खराब करो, देखो सुफियान यार प्लीज यार, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो यार, कुछ सेंस है ये बात में, हम दोनों को एक दूसरे की वजह से ही लोग जानते हैं, ऐसा अलग अलग करोगे तो नहीं जानेगा कोई भी। हाँ लेकिन अलग अलग नहीं, तुम्हारे को व्लॉग में लूंगा मैं, बट खाली नाम मेरा रहना चाहिए, क्योंकि बस हो गया अभी, तुम अलग कर लो मैं अलग करता हूँ ना, सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा, मतलब कल को ऐसा ऐसा रहेगा ना, ऐसा नहीं रहेगा ना कि हम दोनों साथ में कमा रहे, फिर मैं ऐसा रहेगा कि मैं अकेला कमा रहा हूँ, मैं क्या एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, तुमको पागल हो गए हो, मैं व्लॉग चालू करके लोगों को बोल दो खड़े होंगे। सो गाइस फाइनली निदा और मेरे बीच में डिसाइड हो चुका है, कि निदा बोली कि ठीक है तुम अपना अलग कर लो, मैं अपना अलग कर लूंगी, तो मैं बोला हाँ मैं भी यही चाहता था कब से, निदा आयु मैग्री होना, अरे कैसा बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ, गाइस अभी आप लोग बताओ कमेंट में सही है गलत बात है, बताओ मेरे को, रोने वाली क्या बात है, अरे लेकिन मैं क्या ऐसा बोला तुमको, मैं रोने वाला, हाँ अरे लेकिन ऐसा क्या होगा, तुमको रो क्यों रहे हो तुम, मैं तो कुछ गलत थोड़ी बोला, मैं तो तुमको छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, खाली चैनल अलग करने बोल रहा हूँ मैं, हाँ पागल हो गए हो तुम, क्या क्या बोल रहे हो, कमाई गई है वो, मैं कभी नहीं लाई हूँ यार पैसा, मैं तो कुछ चीज में कभी नहीं लाई, तुम क्यों ला रहे हो, अरे लेकिन ऐसा क्यों, रोने वाली क्या बात है, मैं तुमको छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, खाली मैं बोल रहा हूँ व्लॉगिंग अलग अलग करते, तुम तुम्हारे चैनल पे करो, मैं मेरे चैनल पे करूंगा, खत्म हो गई बात इसमें, बहुत अच्छा है, पूरी मेहनत मैं कर ली, सब कुछ कर ली, फिर आप खुद का अभी सिर्फ नाम डालने का, ये सोच के तुम ये भी नहीं सोच रहे हो कि हाँ चलो इसने इतनी मेहनत की है, ये सोच के कि अपना है, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं की थी जानी है, कभी नहीं, अरे कहाँ जा रहे हो, ये सब बात मन कर रहा हूँ, अरे बाप रे बाप, शॉर्ट हो गया तो रोना वाला चालू कर दिया, क्या करूँ मैं। निदा क्या हो गया, अरे दरवाजा खोलो, अच्छा चलो बात करते, अच्छा चलो बात करते, नहीं मेरे को नहीं बात करनी है, और निदा बात कर लेते एक बार, आ जाओ बाहर, अच्छा अच्छा बाहर आओ, चलो एक बार आ जाओ, एक बार बात नहीं करेंगे ऐसा चलेगा, हाँ अच्छा दो मिनट बाहर आ जाओ निदा, अच्छा 2 मिनट बाहर जाओ, बच्चों को जरा हिम्मत करो, चैनल ही तो है, जिंदगी थोड़ी अलग हो रही है अपनी, अबे बोलो तुम मेरे को दरवाजा खोलने वाले हो तुम, तुम्हें कब से चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो खोलो 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 खोलो, तुम खोल रही हो ना, अच्छा देखो सिर्फ चैनल ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग कर देते, ठीक है अलग अलग करते, मैं अपने घर जाती हूँ, तुम करो जो तुमको करने का है, पहले काम अलग करना है, फिर बाद में खुद को मुझसे अलग करना है, सब कुछ कर दो, तुम सब कुछ कर दो, अच्छा निदा मेरे को बताओ तुम, चलो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा डिसीजन क्या, मेरे को बताओ, चलो कुछ नहीं है, देखो मैं तुमको क्लियरली बता चुका हूँ कि मेरे को अलग ब्लॉगिंग करना है, ठीक है कर लो, है ना, तो सो गाइस आज से मेरे चैनल का नाम होगा द खान सुफियान 90 व्लॉग चैनल, तो गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करना, अरे अरे नहीं, अरे
अरे नहीं मस्ती करो अरे मस्ती करो बस चुप अरे मस्ती करो कसम से मस्ती करो अरे मस्ती कर रहा हूँ नीता नहीं मस्ती कर रहा हूँ नीता नहीं अबे अच्छा सॉरी अबे मस्ती करो नीता प्लीज सॉरी मस्ती करो कसम से मस्ती कर रहा था मैं अबे कसम से मस्ती कर रहा हूँ मैं इट्स अ रिएक्शन वीडियो में तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था कि तुम क्या बोलते हो अगर मैं ये बोलूंगा कि हम दोनों को यूट्यूब अलग अलग करना है तो प्लीज सॉरी मस्ती करो पासवर्ड दे दूंगा तुमको अभी कसम से अरे कसम तुमको छेड़ने के लिए तो बिना चेंज करना तुमको रियल कैसा लगता अरे ये कैसा मुंह बना मजाक था भाई ला 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 सेटल थुकड़ी मैंने नहीं उड़ाई तुम्हारी गुदकी थुकड़ी तुम मत करो सो गाइस वेलकम टू द खान सुपर 90 ब्लॉग चैनल सो गाइस फाइनली हम लोगों का जो घर है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है गाइस और आज घर रेडी किसकी वजह से हुआ गाइस आज घर रेडी हुआ है अंकल और आंटी की वजह से क्योंकि अंकल आंटी अरे मतलब बात तो एक ही ना लोग समझ जाएंगे वो तो यार तो गाइस हम लोगों को पेंटर नहीं मिल रहा था आप लोगों ने ब्लॉग में देखे थे कि हमारे घर का काम एकदम रुक गया था पेंटर लोग 8-8 हजार सो रहा है ना पेंटर हाँ पेंटर लोग 8-8 हजार 10-10 हजार मांग रहे थे ये पेंटर लोग ने 2-2 हजार और एक सीलिंग करने के लिए तो पेंटर लोग ने 2-2 हजार में काम कर लिया आंटी के शूटिंग वाले लाइन के थे मस्त एकदम फिनिशिंग में काम किया आप लोगों में रूम टूर कराऊंगा तभी दिखाऊंगा पूरा सो थैंक यू अंकल एंड आंटी अरे अंकल हाय कर रहा है सो गाइस मैं दिखा था आप लोगों को पेंटर लोग के साथ सोए घर में और ये अपना हुसैन कारपेंटर इसी ने पूरे घर का काम किया गाइस कुछ भी रहेगा तो इसको बोलना मैं नंबर दे दूंगा इसका देखो गाइस कैसे सोए पेंटर लोग थक के एकदम कहीं भी सो गए सो गाइस ये बंदे की आईडी है MD फर्नीचर हुसैन कोई भी कारपेंटर का काम रहेगा इसको कॉन्टेक्ट जरूर करना हमारा नाम लेके और इस बहुत अच्छा काम करता है गाइस ये मेरी गारंटी है सो गाइस चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस बाय बाय I'm not going to do that.